नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका। हल्द्वानी में भारत विकास परिषद की तरफ से रामपुर रोड स्थित अतिथि में होली मिलन और भजन संध्या का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और भारत विकास परिषद के राष्ट्र उपाध्यक्ष सुनील खेड़ा ने दीप जलाकर किया, जिसमें साई परिवार म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने होली के गीत और भजन प्रस्तुत किए गए। शुभारंभ के बाद कार्यक्रम में फूलों की होली भी खेली गई। वहीं इस मौके पर हमारी जेजेएन की टीम ने वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत की। भारत विकास परिषद की ओर से प्रतिवर्ष होली मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में इस पर होली मिलन और भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें विवेक शर्मा जी अपने साथियों के साथ भजन प्रस्तुत कर रहे हैं और सभी हमारे सदस्यगण और उनके परिवारजन इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। मैं भगवान सहाय, अब ये जो भारत विकास परिषद का जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारी शाखा हल्द्वानी का मैं संरक्षक हूँ और अनेक सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़ा हुआ हूँ। ये जो होली का जो कार्यक्रम है, हम भारत विकास परिषद अनेक जो है समाज सेवा के कार्य हम करते हैं, उसमें सेवा के कार्य और संस्कार के कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम इस तरह से करते हैं ताकि हमारी भारतीय संस्कृति जिंदा रहे। हमारे जो हिंदू त्यौहार हैं, उन त्योहारों को आजकल की संस्कृति के बच्चों को जानकारी नहीं होती है, तो भारत विकास परिषद इनकी भी जो है सब लोगों को जानकारी रहे कि हम होली क्यों मनाते हैं, दीपावली क्यों मनाते हैं, दशहरा क्यों मनाते हैं। तो इसी के स्वरूप को देखते हुए हमने आज जो है कार्यक्रम होली का रखा है ताकि हमारे बच्चों को इस बात की जानकारी। आज की शाम भारत विकास परिषद शाखा हल्द्वानी ने ईश्वर के चरणों में अर्पित करने के लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ है। इसमें हम चाहते थे कि जितने भी हमारे परिजन हैं, हम उन्हें आज संगीत के माध्यम से ईश्वर तक जोड़ सके। इसके लिए हमने विकास की भजन मंडली को बुलाया हुआ है और साथ ही साथ आज हमारे वार्षिक चुनाव भी होने हैं। ये दोनों ही कारण थे कि होली के इस त्यौहार को मनाने के लिए हमने आज की संध्या का आयोजन। तो इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। नमस्कार।